हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक सरप्राइज गिफ्ट आ चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अमेज़न से आया है, तो अमेज़न का बॉक्स है, उसके अंदर हमारा गिफ्ट है। तो और ये देख सकते हैं कि ये सोनी का ZV-E10 का कैमरा हमारे पास आया है एज ए गिफ्ट में। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज इसका। तो सबसे पहले तो देखिए, तो ये सोनी का बॉक्स है जहाँ पर पूरा कैमरा का और डिटेल दिया गया है। यहाँ पर और डिटेल दी गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है बॉक्स। तो ये है, उसके साथ एक और चीज़ आया है जो कि कवर है, बहुत ही बढ़िया कवर है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ एडिशनल थिंग भी मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ठीक है, तो उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक ही है, और एडिशनली दिया है तो बहुत ही अच्छा। और बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ये हमको लोवेस्ट प्राइस में मिला है। ये जो कैमरा है वो 56,700 रुपीज़ में ही मिला है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, इतना कम प्राइस में देखा नहीं है सोनी ZV-E10 मिल रहा है, और वो भी किट लेंस के साथ में। ठीक है, तो अनबॉक्स करते हुए हम देख रहे हैं कि तो सबसे पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल्स वगैरह यहाँ पर है, तो वो हम साइड में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा की पट्टी दी गई है। ठीक है, सेकंड ये कुछ चार्जिंग के लिए केबल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे और कुछ चीज़ है। ओके, बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन का फोम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, माइक्रोफोन का फोम है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, अभी लगाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये आई थिंक चार्जिंग केबल है जो जिससे आप, और जो केबल है जिससे आप वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, यही केबल है जो आपको लैपटॉप में लगाना है। ठीक है, लैपटॉप में लगाने के बाद आप स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं उसको। ये बैटरी, कैमरा की बैटरी दी गई है। ठीक है, सोनी का ब्रांडिंग उसमें दिया गया है, सोनी की बैटरी बढ़िया है, लगा के देखेंगे हम अभी धीरे धीरे। और एक चीज़ है, और एक बैटरी लग रही है, क्या बात है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी दी गई है क्या वो? नहीं नहीं, ओके, ये कुछ ओके अडेप्टर है जिससे हम चार्ज कर सकते हैं। तो एक तो एक साइड पावर केबल लगाना है और दूसरी साइड हमारा जो USB केबल है वो लगाना है, सेम जैसे मोबाइल में रहता है, और वो अगर केबल में डेटा केबल के थ्रू डायरेक्टली PC में लगा सकता हूँ। अभी हमारा चीज़ आ रहा है डायरेक्टली, ओ माई गॉड, यस। तो लेंस, मुझे थोड़ा डर गया था मैं कि लेंस है या नहीं है, लेकिन लेंस कैमरा के ऊपर ही फिट किया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यस, बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है, देख सकते हो ये प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम और देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी का स्लॉट दिया गया है जिसको हम थोड़ा साइड में फ्लिक करने के बाद ये बैटरी का कंपार्टमेंट ओपन होता है। ठीक है, ये ऊपर माइक्रोफोन के लिए जगह दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन, ये फ्लैश लगा सकते हैं, ये एक्सटर्नल फ्लैश के लिए, ये माइक्रोफोन है यहाँ पर, और ये ऑन ऑफ स्विच वगैरह, ऑन ऑफ स्विच है, रिकॉर्डिंग का प्ले बटन और एडिशनल थिंग्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये हमारा पूरा फुल्ली आर्क्यूलेटेड डिस्प्ले है। ठीक है, जिससे हम पूरा उसको मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, अभी हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो देखना पड़ेगा कैसे करना। ठीक है, आर्क्यूलेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ज़्यादा उसको नहीं करेंगे, बैटरी वगैरह डालेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर ट्राईपोड के लिए स्लॉट भी दिया गया है ट्राईपोड का, तो हम ट्राईपोड पर माउंट कर सकते हैं इसको। तो अभी फर्स्ट इम्प्रेशन, लुक एंड फील तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओनली ये जो जैसे हैंडल है यहाँ से पकड़ने का, वो DSLR से थोड़ा हल्का सा कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जूम इन जूम आउट करने के लिए भी डायरेक्टली हम यहाँ से ही कर सकते हैं,
ये लेंस को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी बैटरी डालते हैं और देखते हैं कैसा है। ठीक है, और यहाँ पर SD कार्ड भी दिया गया है 64 GB का। ठीक है, तो ये भी हम डाल के देखेंगे कि क्या है। लगता है कि अभी पावर जो कि बैटरी चार्ज नहीं, चार्ज करना पड़ेगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने बैटरी ऑलरेडी लगा दी और SD कार्ड भी यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अभी हम एक बार चार्ज करके देखेंगे, उसके बाद पावर ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा दिया है इसको। ठीक है, तो ये डिस्प्ले भी हमारा ऑन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, और मेरे बेटे ने भी उसमें हेल्प की है। तो यहाँ पे देखिए, ये चार्जिंग केबल है, उसको एडेप्टर से यहाँ पे कनेक्ट किया है, और उसके बाद केबल के थ्रू यहाँ का जो ये स्लॉट है यहाँ पर, उस स्लॉट में हमको डालना है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लॉट है यहाँ पे, आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर चार्जिंग का USB-C टाइप कनेक्शन है, ये मिनी HDMI पोर्ट है, और 3.5 mm का जैक भी दिया गया है, जिससे आप आई थिंक हेडफोन या हेडफोन सीम्स टू बी हेडफोन आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, या फिर एक्सटर्नल माइक, यहाँ पे एक्सटर्नल माइक भी यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छा ऑप्शन दिया गया है, और बाकी का तो अभी ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। जब हमारा ऑन हो चुका है, सेटिंग वेटिंग कुछ करेंगे, उसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। ठीक है, अभी ऑन होने के बाद कुछ सेटिंग करने, जैसे डे टाइम, डे एंड टाइम है वो वगैरह सेट करना है। ठीक है, और दूसरे अलावा पर सेटिंग हम कर रहे हैं। और दोस्तों अभी हमने ठीक है, अभी हमने एक फ़ोटो खींचा है। देखिए, मेरे बेटे का फ़ोटो खींचा है, बहुत ही अच्छा आया है फ़ोटो। अभी मैं कुछ सेटिंग अभी सीखूंगा, लेकिन अभी फर्स्ट इंप्रेशन ये है। तो जस्ट स्टार्ट किया है, और हमारा अभी बैटरी भी अभी जस्ट चार्ज ही हुआ है। तो लेकिन डिसेंट क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी, जो एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी उस हिसाब से फ़ोटो और वीडियो आएंगे ऐसा लग रहा है। फ़ोटो अभी हमने खींचा है, वीडियो भी हम देखेंगे, लेकिन इट्स सीम्स टू बी वर्थ ओके। तो अगला हम आगे के वीडियो में हम उसका कुछ टेस्टिंग करेंगे, उसको आपको बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। एंड रेडी फॉर अ पार्ट एंड बी रेडी फॉर अ पार्ट टू। यस, थैंक यू, बाय बाय।